दोस्तों नमस्कार, पांडे टूरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जो कि 50,000 वैकेंसी है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको पुलिस में जॉब पाने के लिए। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या वैकेंसी है, कब लास्ट डेट है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्या है वैकेंसी क्या है। तो जैसे देख रहे हैं कि विज्ञापन जो ये 16 नवंबर को प्रकाशित हुई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधान मार्ग लखनऊ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो 50,000 के अराउंड है। तो जो दो कैटेगरी का वैकेंसी निकला हुआ है, पहला है आरक्षी नागरिक पुलिस और दूसरा है आरक्षित प्रादेशिक आम कांस्टेबलरी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस में आरक्षित प्रदेश आम कांस्टेबल पे बैंड 5200 से लेके 20,000 गेट पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 21,700 के निम्नलिखित रिक्त पदों भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो वैकेंसी जो पहला ग्रुप के लिए है आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए, उसमें अनारक्षित के लिए 15,681 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8400 एंड अनुसूचित जाति के लिए 6585 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 627 सीट है, जो टोटल 31,360 सीट है। उसके बाद जो आरक्षित प्रादेशिक आम कांस्टेबलरी है वो 9,000 के अराउंड आरक्षित अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग का 4916 और अनुसूचित जाति के लिए 3842 और अनुसूचित जनजाति के लिए 364 सीट है, जो टोटल 31,000 प्लस 18,000 जो 49,000 अराउंड 50,000 के अराउंड वैकेंसी निकली हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है 2018-2019 में आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आवेदन का तारीख कब है, कब से स्टार्ट हो रहा है। जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 19/11/2018 से है, और आवेदन आप अंतिम 8/12/2018 को कर सकते हैं, जो कि आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 8/12/2018। और ऑफलाइन ई चलान मीन्स अवधि आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं चलान के थ्रू, तो ये 10/12/2018 के है। तो देखते हैं आवेदन शुल्क क्या है। इस भर्ती प्रक्रिया है तो सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है। और उसके बाद जो निम्नलिखित आपको जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो नॉर्मल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और कंप्लीट डिटेल पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेन जो होती है आयु के लिए, या पुरुष अभ्यर्थी के लिए आयु 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष तक की होना चाहिए, जो कि 2 जुलाई 1996 से पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसमें आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको आयु में छूट मिलती है तो वो आपको आयु में छूट मिलेगी। दूसरा है महिला अभ्यर्थी को कि 18 साल से लेके 25 साल तक की आयु दी गई है, मीन्स पुरुष के लिए 18 से 22 और महिला के लिए 18 से 25 है। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, और व्यवहारिक स्थिति नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसमें ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो। तो आप एक से ज़्यादा मैरिज हैं तो आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है भर्ती की प्रक्रिया। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित एवं मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2017 एवं उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम कांस्टेबल अधीन क्रिया सेवा नियमावली 2015 पर अधीन किया जाएगा। तो इसमें जो जो भी रूल दिया हुआ है, यहाँ पर एक वेबसाइट दिया हुआ है कि pbb.gov.in पे, यहाँ पे जाके आप कंप्लीट डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उसका ये चयन का प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया है।
उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया होगा वो होगा लिखित परीक्षा, उसके बाद आपको शारीरिक मानक परीक्षा होगा, उसमें ऊंचाई और सीना, सीना जो है ऊंचाई है आपको न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होने चाहिए, और सीना सीना है जो उसके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों बच्चों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने और न्यूनतम 84 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलवाना अनिवार्य है, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना आना चाहिए। वैसे ही आप महिलाएं के लिए अलग है, महिलाएं के लिए 152 सेंटीमीटर है और वजन जो है वो 40 किलोग्राम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद आपको चयन एंड अंतिम योग्यता परीक्षा दिया जाएगा, जो कि उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एग्जामिनेशन लिखे हुए हैं और शारीरिक में पास करते हैं तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चयन किया जाएगा। आरक्षण व आयु सीमा में छूट, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए आपको जो भी छूट मिलती है वो आपको छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे लंबवत आरक्षण का डिटेल दिया हुआ है कि जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसमें आपको क्या छूट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद आप यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो उसमें भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या आरक्षण होगा क्या क्या आरक्षण नहीं होगा। उसके बाद है जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन फोटोग्राफ एंड हस्ताक्षर सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका 80 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और 30 KB से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये फोटो और सिग्नेचर को आप स्कैन करके, आपको स्पष्ट छवि दिखनी चाहिए, स्पष्ट फोटो होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट मार दिया जाएगा। और जो आपका जो फोटो है वो 6 महीने के अंदर लिया जाना चाहिए। तो ये आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फोटो एंड हस्ताक्षर के लिए, तो इस नियम को पालन करके ही आप हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करें ताकि इन फ्यूचर में कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है कि अभ्यर्थी के द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए, मतलब आप एक से अधिक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक से अधिक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किए जा सकते हैं, मतलब आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट मार दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थ तथा पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण दोषपूर्ण या अत्यावश्यकता से युक्त है, मतलब आप करेक्ट फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट मार दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यदि आप अच्छी से इसको इंस्ट्रक्शन से पढ़ें ताही फॉर्म तभी फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो आप कोई भी मिस्टेक आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई कठिनाई हो रही है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।